जनपद में बाढ़ की स्थिति सामान्य होने से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में अब जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो रही है, जिसमें संक्रामक बीमारियों से फैलने का खतरा बढ़ सकता है। जिसको देखते हुए शासन के निर्देश पर जिला पंचायती राज विभाग द्वारा बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लगातार एंटी लार्वा का छिड़काव करने के साथ साफ सफाई की व्यवस्था की जा रही है। गाँवों में नालियों में बहने वाले पानी को स्टोर कर उसे डंप करने का भी व्यवस्था किया जा रहा है, जिससे कोई भी संक्रामक बीमारी फैलने ना पाए। जिसके संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिला पंचायत राज अधिकारी हिमांशु शेखर ठाकुर ने बताया कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में पंचायती राज विभाग द्वारा लगातार फॉगिंग के साथ हाइड्रोक्लोराइड का छिड़काव भी कराया जा रहा है, जिससे संक्रामक बीमारी ना फैलने पाए और लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक भी किया जा रहा है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिला पंचायत राज अधिकारी हिमांशु शेखर ठाकुर ने बताया, जैसा कि ज्ञात है कि इस बार बारिश काफ़ी हुई थी और नदियों का जलस्तर काफ़ी ऊंचा हो गया था, उसकी वजह से 353 गांव में बाढ़ आई थी। कुछ गांव पूरी तरह से मैरून हो गए थे, कुछ आंशिक रूप से डूब गए थे। तो उन सबों में उसी समय से लगातार पंचायती राज विभाग द्वारा डिफरेंट टाइप के वर्क किए जा रहे हैं। पहला काम तो जो था, जो भी विस्थापित हुए थे उनके खाने पीने के लिए जो है कम्युनिटी किचन चलाया जा रहा था। उसके अलावा दूसरा जो महत्वपूर्ण काम था वो था फॉगिंग कराना, क्योंकि जैसे कि आपको पता है उस समय एंटी लार्वा का छिड़काव कराना, कि मच्छरों का प्रकोप बहुत ज़्यादा हो जाता है बाढ़ के समय, खासतौर से जब पानी उतरने लगता है। जैसे आप बता रहे हैं आजकल पानी उतर रहा है, इवन बाढ़ के समय में भी जब पानी ज़्यादा था उस समय भी जो लोग रह रहे थे छतों पर या अपने घरों में या कहीं और जो दूर में जो बंदे में रह रहे थे या जो यहाँ भी सरकार ने उनको पुनर्स्थापित करने के लिए जगह दिया था, वो जहाँ रह रहे थे उन सबों के लिए छिड़काव कराना, एंटी लार्वा का छिड़काव कराना और फॉगिंग कराना, साथ में जो नालियाँ थी जो जहाँ नालियों का पानी कम होता जा रहा था वहाँ नालियों की सफाई कराना, ताकि कोई भी जलजनित बीमारी जो होती है वो ना हो, इस पर हम लोगों ने पूरा ध्यान फोकस किया था। इसके लिए लगातार अभियान चला करके खासतौर से इन 353 गांव में 12 सदस्यीय जो हम लोगों ने रोस्टर लगाया था सफाई कर्मियों की टीम का, उसके बाद वहाँ पर सचिव लोगों को भी अपॉइंट किया गया था। सचिव लगातार थे, सारे ADOs जो हैं, उसके बाद जो खंड विकास अधिकारी हैं, यहाँ से जो जिले की टीम है, सब लोग लगातार दौरा कर रहे थे। पंचायती राज विभाग के सारे अधिकारी दौरा कर रहे थे, DM साहब के दिशा निर्देश पर हम लोग सभी जा रहे थे। तो उससे जो है लगातार फॉगिंग एंटी लार्वा का छिड़काव का कार्य चला। उसके बाद जो साफ़ सफाई का कार्य, उसके बाद कई गाँव में जो उसमें डूबे थे उसमें बिजली की व्यवस्था नहीं थी क्योंकि बिजली कट हो गई थी, तो वहाँ पर हम लोगों ने जनरेटर का भी इंतजाम कराया था। उसके बाद चार गाँव में जो कि जहाँ पर कि नाव की व्यवस्था तहसील के द्वारा कराई जाती है, कहीं पर जहाँ पर नाव की कमी हो रही थी वहाँ ग्राम पंचायतों के द्वारा चार जगह पर नाव भी खरीदा गया है, ताकि लोगों को कोई दिक्कत ना हो आने जाने में या आवागमन के लिए, कुछ दिनों के लिए नाव ही एक साधन था। तो इस तरह से जो ग्राम पंचायत के द्वारा जो है विभिन्न तरह का कार्य पंचायती राज विभाग के द्वारा ग्राम पंचायत में बाढ़ की विभीषिका से बचने के लिए कराया, उसी समय जो आरंभ किया गया था से 15 दिन पहले, लगातार अभी भी जारी है। लगातार जो है ये खासतौर से जब चूँकि अभी पानी का जलस्तर जैसे उतर रहा है तो जल जमाव की बहुत बड़ी समस्या है। तो जल जमाव जहाँ भी हो रहा है वहाँ पर एंटी लार्वा का छिड़काव कोशिश की जा रही है कि नालियों को सुचारू रूप से चालू करके उससे पानी का निकासी कराई जाए। उसके बाद जहाँ भी लगातार फॉगिंग हो रही है, हर एक 2-3 दिन फॉगिंग हो रही है, उसमें भी आपने देखा होगा कि नाव से हम लोगों ने लगा फॉगिंग कराई है, नाव के द्वारा लोग जाकर के फॉगिंग किए थे। तो इस तरह से लगातार पंचायती राज विभाग कार्य, तभी फिर से बारिश हो गई है, कई जगह पर जल जमाव की समस्या फिर से हो रही है। इसको ध्यान में रखते हुए लगातार जो है पंचायती राज विभाग के जो स्टाफ हैं वो लगे हुए हैं नालियों की सफाई, झाड़ियों की कटाई, प्लस जो एंटी लार्वा और फॉगिंग है इस पर खासतौर से इस पर हमारा फोकस है। और डेंगू के भी चूँकि डर था, तो जो खासतौर से जो पानी जो कि चूँकि साफ पानी में डेंगू होता है, तो ऐसा कोई टायर का ये हो इसका भी हम लोग सर्वे कर रहे थे, कहीं किसी घर के ऊपर का टायर हो, इस तरह कोई समस्या ये हो जहाँ के या कूलर का पानी हो, इस तरह के लोगों को जागृत करना, ये हम लोग एक बहुत बड़ा काम का हिस्सा था, लोगों को जागरूक करना इस बात के लिए कि डेंगू जो है ये स्वच्छ पानी में होता है, तो ऐसे कोई भी पानी को कहीं जमा होने ना दें। इस तरह का भी जागरूकता का अभियान जो है पंचायती विभाग के द्वारा चलाया गया। इसके अलावा कनाथ टॉयलेट जो है आप देखेंगे राजधानी जो ब्रह्मपुर में जो राजधानी जो कि डूब गया था काफ़ी हद तक, तो वहाँ पर भी 80 कनाथ टॉयलेट जो है पंचायती विभाग के द्वारा DM सर के निर्देश में बनवाए गए थे। इस तरह से बहुत तरह के कार्य जो है डिफरेंट तरह के वर्क्स जो हैं पंचायती विभाग के द्वारा कराए जा रहे हैं, आगे भी कर